Hey guys, subscribe and click on the bell icon to get amazing short films and web series from Cheers. भाई का क्या भाई की? यार हेलमेट हेलमेट जैकेट जैकेट क्या लग रहा है यार तू यार पूरा बाइकर ड्यूड लग रहा है यार. थैंक्स यार. 8 लाख तुमने टू व्हीलर पे खर्च कर दिए. कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते हो तुम लोग या ऐसे डिप्रिशिएटिंग एसेट्स पे पूरा खर्च कर देते हो? द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड दैट वी नीड टू से एन अर्ली गुडबाय टू यू. तू मुझे एक बात बता, तू के ट्रेनिंग में जावा के कोड झक रहा था जो तेरे को डेवलपमेंट में डाल दिया और मेरे को टेस्टिंग में डाल दिया? हमारे बॉक्सिंग में एक कहावत है, यू डोंट लूज अ फाइट बिकॉज यू फॉल, यू लूज द फाइट बिकॉज यू रिफ्यूज टू राइज. टेक दैट रोड ट्रिप सर. लोग अपने दोस्तों के साथ नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं. एडवेंचर, स्पीड, एड्रेनलिन रश एक्सपीरियंस करने के लिए रोड ट्रिप लेते हैं. मैं सोलो रोड ट्रिप ले रहा हूँ. जी हाँ, सोलो, मेरी नौकरी जाने की खुशी में. वाह पापा वाह. मैं निकल तो गया था पर मंजिल का पता नहीं था. सोचा पहले पुणे से मुंबई पहुंच जाऊं और फिर कुछ दिन वहां रहकर आराम से सोचूं, और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो पुणे मुंबई पुणे भी तो एक रोड ट्रिप हुई. पापा की बात भी रह जाएगी और मेरा एक मिनी सा रोड ट्रिप भी हो जाएगा. Taking my chances along with my dreams. I've got them all packed up in my fantasy limousine. With miles and miles of road ahead, I'm going far away to my fantasy land. With a tick-tock clock to remind me the time is right. I go through everything with a smile and taking every chance that the world can give. Going far. पहला बंदा होगा जिसने टर्मिनेशन के दिन पे अपने ऑफिस में मिठाई बांटी. या आई नो दैट. दिस कॉल्स फॉर अनदर बियर. नो सर. एक अल्ट्रा और एक अल्ट्रा मैक्स चिल्ला. थैंक यू. कांग्रेचुलेशंस मैन. दिस इज थैंक यू सो मच दीपक कृष्णा. हंस ले तू मेरी लाचारी पे. हंस ले. वो फाइनल सेम का पेपर याद है जो मुझसे टेप के पास किया था तूने? उसी पेपर की वजह से तेरी नौकरी बची थी. कम से कम तू तो सिंपथाइज कर ले मेरे साथ यार. दिस इज टाइम. आई नो यार, आई नो. एनीवे यार सुन ना, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना अगर एक दिन और रुक जाऊँ मैं तेरे यहाँ पे? तो आई नो कि मतलब काफी लास्ट मिनट नोटिस दिया मैंने तुझे, बट तू पागल वागल हो गया क्या? महीना भर रुकेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरे नहीं यार भाई, तू तो ठीक तो है ना? हाँ, बेटर देन बिफोर एटलीस्ट. बेसिकली जब वो सब कुछ हुआ तो यार एक झटका सा लगा था मुझे. बट देन यू नो पापा, यू नो हाउ ही इज, ही इंसिस्टेड कि मैं ये रोड ट्रिप करूँ. बट आई हैव टू टेल यू दिस यार दीपक, मेरी पहली रोड ट्रिप, मैं और मेरी बाइक, दैट विंड इन माय हेयर, दैट एंटायर एक्सपीरियंस, इट इज समथिंग एल्स ओनली यार. इट इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो. आई सॉर्ट ऑफ फेल्ट लिबरेटेड यार. पूना नहीं जा रहा है वापस यहाँ से? कहाँ उड़ रहा है फिर अपनी ड्रीम बाइक पे? मैं जा रहा हूँ मुंबई, कोलकाता एंड गैंगटॉक. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग. वाओ. यस. That looks tempting. I would have joined you, yeah, but ये नौकरी and all.
जी जी, शुक्र मनाओ कम से कम नौकरी तो है तुम्हारे पास। ट्रू ट्रू जी, थैंक यू, चीज। एक फेवर मांगू तुझसे? साले बियर पिला के काम निकलवाना चाहता है मुझसे। यार ये जेन्युइन वाला फेवर है यार। तू बस पीटना मत मुझे। अरे कैसी बात कर रहा है यार, तुझे ये बियर की कसम। बस बात खत्म, अब क्या बोल सकते हैं इसे आगे। तो मेरे डैड के फ्रेंड आए हुए हैं दिल्ली से। वो ना थोड़े अजीब हैं। अजीब मतलब? वो यार वो यू हैव टू लिसन टू दिस, वो फिल्मी है पूरे, बचपन के हैं, अपनी जॉब से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली और अपनी फेवरेट मूवीज के लोकेशंस और सिचुएशंस को रिक्रिएट करने में पूरा दिमाग लगा रहता है। आर यू सीरियस? या सो एक दिन दिल्ली हाईवे से ट्रक में बैठकर पहुंच गए हिमाचल और वहां से कश्मीर। नाउ आस्क मी ट्रक में क्यों? क्यों हाईवे आलिया भट्ट? ओ या या अभी ये बैंगलोर के पास क्या है वो रामनगर, वहां पहुंच गए। पूरा हफ्ता वहीं आसपास किसी गांव में रहे और रोज सुबह उठकर दिन भर पत्थर वाले पहाड़ों पर चढ़कर, अरे ओ सांबा। कितने आदमी थे? गब्बर शोले। करेक्ट करेक्ट, दिस इज क्रेजी यार। अभी पिछले हफ्ते ही वो गोवा से मुंबई वापस आए, दिस टाइम विदाउट लगेज एंड मनी। हाँ नो लगेज नो मनी, खाली हाथ लॉरी से। हाँ। रिक्रिएट करना चाहते थे। हाँ। कि लुट कर लिफ्ट लेकर वापस आना कैसा लगता है? समीर नहीं आई मीन सैफ अली खान फ्रॉम दिल चाहता है, जब उसको वो गोरी लूट लेती है, देन हैज टू कम बैक। करेक्ट, दिस इज इनसेन यार। पिछले हफ्ते से मुंबई में ही है, अपनी लोकेशंस की बकेट लिस्ट पे टिक लगाया जा रहा है। मन्नत, फिर गैलेक्सी, फिल्म सिटी, मरीन ड्राइव, सब सब। एक सेकेंड सारे, तो ये सब कहीं मेरे पे तो नहीं पीटने वाला है? यार दीपक, जब तूने मुझे बताया कि तू पुणे से मुंबई आ रहा है और यहाँ से वापस शायद पुणे जाएगा, वो भी अपनी डुकाटी पर आ रहा है, मैंने उनको एक्साइटमेंट में बता दिया। अब पहले उन्हें डुकाटी तो समझ में आई नहीं, बट जब मैंने उनको बोला कि 800 सीसी की पावरफुल स्टाइलिश बाइक है, तब से मेरे पीछे पड़े हैं यार। सबसे पहले तो उनको ये बोल कि ये धुमाली बाइक नहीं है, ठीक है? नहीं नहीं, वो मैंने उनको मोटरसाइकिल डायरीज दिखाई थी कुछ दिन पहले, तब से वो रोड ट्रिप ऑन बाइक का भूत सवार है उन पर। अब समझा मैं। अब मुझे लगा कि यू आर गोइंग बैक टू पुणे, यू हैड मेंशन टू मी, राइट? करेक्ट। तो मुझे लगा 150 किलोमीटर्स की बात है, वहां पहुंचते ही वो बाजीराव मस्तानी के लोकेशंस पे जम मार लेंगे। बट मुझे नहीं पता था ना तेरा प्लान चेंज हो जाएगा। कैसा दोस्त है यार तू, दोस्त है दुश्मन है मेरा? यार बहुत इंटरेस्टिंग है। अरे आई डोंट केयर, ही माइट बी इंटरेस्टिंग यार, मुझे नहीं जाना है यार। यार Trust me, it'll be an experience. अरे यार, I don't want this experience. यार, तू कैसी बात कर रहा है? मतलब मेरी उम्र में लड़के रोड ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जाते हैं, और यहाँ पे मैं अपनी जिंदगी की पहली रोड ट्रिप पे एक अनजान 55 साल के फिल्मी आदमी के साथ जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे बिना पूछे उनको कमिटमेंट कर दिया। नो 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 नो, मुझे नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं तो कहता हूँ ये भाई की सारी बलूस है। और क्या, जब से आइए जिस दिन आई मेरी नौकरी चली गई, और अब ये तो उससे भी बड़ा। माई फर्स्ट एवर रोड ट्रिप इज गोइंग टू हैपन विद अ 55 ईयर ओल्ड मैन, जिसको मैं जानता भी नहीं यार। सब तेरी वजह से सारे, सब तेरी वजह से। डोंट से एनीथिंग, कम ऑन। ये बियर की कसम देखी ले ली तूने मेरी, सच्चा दोस्त है मेरा तो। एक्सपीरियंस, व्हाट फन, व्हाट लक, व्हाट द फक, आई हेट यू यार। कितना टाइम लगा रहे हैं यार ये।
ऑल सेट। ये अरे अंकल, हाँ ये इतने बड़े बैग की जगह नहीं है बाइक पे। बाइक पे जा रहे हैं हम, आपको अपना सामान थोड़ा कम करना होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप वही कैरी करी ना जो जो जितने की जरूरत है। बैकपैक है आपके पास? हाँ भाई, मैं खुद शर्मिंदा हो रहा हूँ, बताओ। अरे मुझे मालूम था कि बाइक से जा रहा हूँ, फिर भी मैं पता नहीं क्यों ये इतना बड़ा बैग लेके आ गया। एक काम करते हैं, काफ़ी सामान इसमें से निकाला जा सकता है, तो इतनी बड़ी बात नहीं। लो बेटा पकड़ो, ठीक है बेटा, दीबू मदद कर। हाँ करो, ऐसे थोड़ी ना वहाँ काम उछल करूँगा। ये सबसे पहले जो है और सामान जो इसे आराम से छाटा जा सकता है, ये फॉर्मल शूज़ की जरूरत है ना, ये हटा लिया। बुक्स वहाँ क्या करेंगे, अच्छा खासा वजन तो इसी में जा रहा है। ये बिना मतलब कि एक अच्छे ज़्यादा ले जा क्या करेंगे इसको वापस। और क्या ये चूरन ज़रूरी है, ये मसाजा का क्या होगा भाई। इसको रखो बेटा उधर, दीपू उधर रखो, कंटोपा भी हटा। और इसमें से देखते हैं क्या, ये तुम अपने पापा को दिन में खुजला दे रहे हैं, इसका मेरा कोई काम नहीं है, है ना। एक काम करो दीपू, बैग पैक लाओ, है तुम्हारे पास? तेरे पिताजी से पूछा नहीं, नहीं तो उल्टा मुझसे पूछ लेते कि बैग पैक होता क्या है। पुराने ज़माने के आदमी है ना दोस्त, पर लेके आओ, बैग पैक लेके आओ, जल्दी आओ बेटा। अच्छा ये सामान जो निकाला ना बेटा, ये सब लौटते में लेके जाऊँगा। ये भी हटाओ ना, इसकी ज़रूरत क्या है यार, इसको हटाओ भाई। ये क्या है अंकल? कहा ये चूरन है। अच्छा, अरे बहुत काम आएगा रास्ते में, कुछ गड़बड़ हुआ ना तो ये ठीक कर देगा। समझ रहे हो ना? जी बेटा जल्दी लाओ। मैं अभी आता हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा अच्छा, दो मिनट लगेंगे, चिंता नहीं करो यार, तुम्हारा एकदम मुहूर्त बिगड़ेगा नहीं। अरे यार ये बाइक, इसको चलाने में तो बड़ा मजा आता होगा यार, एकदम मतलब ये राजा की सवारी जैसा जो टशन है इसमें। ओए हाय हाय हाय, क्या मसल्स हैं मसल्स। एक काम करते हैं, इसका नाम ना सोनू रख देते हैं। सोनू? अरे यार मेरे मोहल्ले में इकलौता लड़का था जो जबरदस्त मस्कुलर और हीरो जैसा एकदम, मतलब नजर पलट के देख लो ना तो देखते रह जाओ, हीरो मतलब हीरो। और ये भी कोई हीरो से कम थोड़ी ना भाई, है बहुत मजा आ जाएगा रोड ट्रिप में, है ना। बढ़िया, मैं तुम और सोनू, रब ने बना दी जोड़ी। नहीं नहीं नहीं, तिगड़ी। वैसे आप कहाँ तक जा रहे हैं? क्योंकि मैं तो गैंगटॉक तक जा रहा हूँ और सफ़र काफ़ी लंबा है और बहुत मुश्किल भी है, तो अगर आप चाहें तो आप अभी भी सोच सकते हैं, टाइम है। क्या सोचना है दोस्त, जिस इंसान ने रोड ट्रिप नहीं की ना लाइफ में, क्या किया लिहाज करना है तो शर्मा जी बोल दो बस चलेगा। तो शर्मा जी आप बैठ गए आराम से? हाँ मैं आराम से बैठ गया, मैं बैठ जाऊँ? बैठो बैठो बैठो, अरे इतनी जगह है, बैठ जाओ, चलो मजा आ जाएगा रोड ट्रिप दोस्त। गेट। आप तब तक अपना बैग वैग चेक कर लीजिए, अगर कोई सामान वामान छूट गया हो तो। ना ना, सामान क्या छूटना है भाई, और ज़्यादा सामान ले जाए क्या करना है, वजन बढ़ाना है क्या? एक बार बताएं। हाँ जी, ये बाइक और तुम्हारी जैकेट और ये हेलमेट, ये कॉम्बिनेशन एकदम गजब लग रहा है, पायलट लग रहे हो। चले? हाँ चलो चलो मेरे सारथी, चलो। अरे यार, अरे अरे क्या हुआ? अरे शर्मा जी। हाँ अरे शर्मा जी, एक सेकंड, ये आप ये कमर पे हाथ मत रखिए, वो गुदगुदी सी होती है। कमर पे हाथ रखने से गुदगुदी हो रही है जी? अब तो कहाँ रखूँ? हाँ। अरे इसमें पीछे कुछ पकड़ने को है नहीं दोस्त, मालूम है इस उम्र में अगर गिर गए ना तो हड्डियाँ जोड़ने में बहुत टाइम लगेगा दोस्त जी, इसलिए पकड़ने दो। नहीं 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 नहीं, आप एक काम करिए, कमर छोड़ के कहीं और पकड़ लीजिए, यहाँ। हाँ बस ये सही है, चलेगा? हाँ जी हाँ जी। लेकिन यार हाँ जी, बढ़िया कैसे चलेगा मतलब, ठीक है चलो चलो चलो, हो जाएगी प्रैक्टिस, हो जाएगी।
अरे भाई अब कंट्रोल, अब कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मैं। रोको भाई, हवा तेज चलती है तो मतलब सेंसेशन बढ़ जाता है भाई, रोको। अरे यार कमर मेरी ना, उफ ये आसान नहीं है ये रोड ट्रिप भाई। शर्मा जी रास्ता बहुत लंबा है, जल्दी करिए। व्हाट अ रिलीफ। और सच्ची में नेचर के प्रेशर के सामने इंसान घुटने टेक ही देता है भाई। और जितना ज़रूरी काम कर रहा हो, घंटी बजी कि दौड़ के बाहर। चलिए जल्दी करिए शर्मा जी, आगे खाने के लिए भी रुकना है। आया अच्छा, वो याद दिला दिया क्या है कि पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। और फिर ये अपने सोनू को भी तो विश्राम करना है ना, सुबह से दौड़े चला जा रहा है यार, इसका ख्याल ही रखेंगे हम। बिल्कुल, जैसे ही पहला ढाबा दिखेगा अच्छा से वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए, चलो मेरे साथी चलो। ये अरे धूम मचा दे, धूम मचा दे, धूम। गुलशन ढाबा, ये सही है। आओ आओ, अरे तो सोनो, वेट वेट। हाँ भाई, क्या स्पेशल है यहाँ का बताओ। सब कुछ स्पेशल है जी, जो चाहो मंगवा लो, खाना अच्छा ना लगे तो पैसा नहीं लेंगे जी आपसे। कॉन्फिडेंस, वाह भाग गया मुझको, मजा आ गया। अच्छा भाई पहले क्या करते हैं कि स्टार्टर में जो बेस्ट चीज़ें हैं आपके पास उसमें से दो 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 प्लेट, और खाना बाद में बताते हैं क्या लेना है। लस्सी दो ग्लास, हैं गला सूख रहा है क्यों, ठीक है ना। दो दो प्लेट कौन खाएगा इतना। शर्मा जी यार, कुछ ही दिनों पहले मेरी नौकरी गई है, बेरोज़गार हूँ मैं, भूल गए आप। एक ऐसा बेरोज़गार जिसके पास जेब में पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, लेकिन 8 लाख रुपए की बाइक है लोन समेत। अरे छोड़ो यार ये सब, तुम नौकरी का क्या है बताओ, नौकरी तो आती है जाती है, लेकिन सोनू, सोनू लाइफ में एक बार आता है, हीरा हीरा है। चलिए इसी बात पे ठूसी आप। और आगे चल के रास्ते में अगर प्रेशर आया ना तो मैं आपको खेतों में छोड़ के निकल लूंगा। ना ना, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला मेरे साथ, क्योंकि इतने सालों मैंने कठिन तपस्या करके मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना उसको ट्रेन करके रखा हुआ है, पॉटी मेरे मर्जी के मुताबिक ही आती है। चलिए अच्छी बात है। शर्मा जी क्या कर रहे हैं यार, थोड़ा तो कंट्रोल करिए, मतलब शुक्र है किसी ने सुना नहीं अभी तक। गैस पे ही कंट्रोल नहीं बस, तो धीरे धीरे हो जाएगा मुझे लगता है। क्या है, अरे क्या है भाई इस तरह से क्यों घूर रहे हो। हाँ आप समझ में आई, खाली है ना पेट, सवेरे से कुछ खाया नहीं इसलिए घुमल घुमल। कहा था सवेरे आलू ज्यादा मत खाया करो, लेकिन नहीं मानते नहीं हो। मैं आलू कम खाया करो साहब। चिकन खाओ, पनीर खाओ, ये भी कहेगा आलू कम खाया करो। पादा आपने, इल्जाम मुझ पे है? कमाल करते हैं शर्मा जी आप, कम से कम अपने पाद की ओनरशिप तो लीजिए। कौन करता है ऐसे, मतलब अपनी पाद किसी और के नाम को कैसे करता है। कमाल के आदमी आप, कैसे आदमी हैं। निश्चिंत हूं तुम्हारे बाप,
नहीं लगते हैं। नाम शर्मा जी है, चिकन खाओ। अब रास्ते में अगर आपको प्रेशर आया ना तो देखिए मैं कैसे रुकता हूँ। तो सोनू गीला हो जाएगा। अरे यार सोनू को बीच में नहीं लाओगे, मैं बता रहा हूँ। प्लीज सोनू बेचारा जी, आपका कोई तोड़ नहीं है। तोड़ नहीं तो ये है ना, लस्सी पियो मजा आएगा और चिकन खाओ। चिकन लस्सी कॉम्बिनेशन इतना गजब होता है, लेकिन बहुत बहुत गजब होता है। बहुत लो यार, प्लीज बातें मत करो यार। हाजी वीरे। हाजी बादशाह हो। अजी बड़े मस्त आदमी हो यार तुम, सच्ची में दिल से बहुत मस्त आदमी है। अच्छा गुलशन, तूने धूम फिल्म देखी? कौन सी वन? टू या थ्री? आई हैव कॉन्फिडेंस। ए गुलशन यार, सच में यार मजा आ गया। तू धूम देखी है ना? तो जरा इधर नज़र घुमा, वो गाड़ी दिख रही है, बाइक, स्पोर्ट्स बाइक है वो, डुकाटी। अरे मेरे दोस्त की है, 800 cc, पावरफुल एकदम। एक बार बैठ के जब स्टार्ट करोगे ना तो हवा से बातें करती है, कोई पीछा कर ही नहीं सकता उसका। अच्छा सबसे बड़ी बात मालूम क्या, मैंने उसका नाम रखा है सोनू। मैच कर रहा ना। तो दोस्त एक बात शेयर करना चाहता हूँ तुमसे यार, मैंने जब धूम देखी ना तो यार मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी छोटी मोटी चोरी करके, रॉबरी करके ना अपनी बाइक पे बैठ के फुर्र हो जाऊँ। ऐसा मैंने मन किया मेरा। ठीक करने को तो अपने मोहल्ले में भी कर सकता हूँ दोस्त, लेकिन क्या है कि घर वाले रिश्तेदार बदनाम होंगे ना। मतलब क्या है आपका? इतना दे रे रे वीरे यार, समझे नहीं तुम? सच्ची में थोड़ी ना करना है, सिर्फ एक्सपीरियंस लेना है। धूम का सीन रिक्रिएट करना चाहता है बस। ये तुम्हारा बैग है ना, ये रेड बैग, इसमें जो कुछ भी रखा है इसको निकालो, इसमें पत्थर भर दो, ठीक है? पत्थर भर दो, यहाँ रख दो, मैं इसको लेके यहाँ से भागूंगा, जैसे कि इसमें पैसे भरे हो। ऐसा ऐसा लोगों को लगना चाहिए, ठीक है ना? और वहाँ जब पहुँच जाऊँ तो तुमको इशारा करूँगा कि अब चिल्लाओ, समझ रहे हो ना, चोर 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 चिल्लाओ, तब तुम चिल्लाना और जो भी लोग हैं तुम्हारे आसपास सब भागेंगे, हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पकड़ थोड़ी ना पाएंगे तब तक बाइक में बैठ गए हैं। और उसके बाद तुम बता देना अपने लोगों को कि भाई वो बैग में कुछ नहीं है, वो कचरा का बैग ले गए, असली सामान पैसा तो यहीं रखा हुआ है। बात ख़त्म है ना, कैसा लगा ये रिक्रिएशन धूम सीन का, है ना, रॉबरी का रिक्रिएशन? ये तुम्हें बात बता रहा था ना, किसी से रोंगटे खड़े हो रहे, अंदर से कुछ हो रहा है यार, एक्साइटमेंट हो रहा है। हाँ, मगर ए, मगर अगर कुछ नहीं यार, दोस्त हो यार मेरे यार, मना मत करना, इसको पार्टिसिपेट करो इसमें। जिंदगी में एक बार मौका मिलता है ना तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तुम भी अपने बच्चों को कह सकते हो ना कि देखो हमने ये काम किया। नहीं अब मना नहीं करना, बैग खाली करो ये लाल वाला, इसमें पत्थर भरो और यहाँ रखो। मैं वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आऊँगा, बैग उठा के भागूंगा, जब इशारा करूँगा कि आप, तब तुम चिल्लाना चोर चोर चोर। डन, ओके, रेडी, पक्का? या Hey!
गया श्रेय। अरे क्या करें, मैंने सोचा था धूम, लेकिन ये तो हो गया हेरा फेरी। अब जिस तरह से उसका पारा चढ़ा हुआ ना दिमाग का, ये बियर पिला के ही ठंडा करना पड़ेगा उसे। समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो आगे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कि रास्ते में ना उतार दे। मेरे लिए तो कल हो ना हो। बस एक बात बताएं, चोट उसको काफ़ी लग गई है, इसलिए अगला एपिसोड आने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि उसको फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना है ना। तो आप एक काम करिए, तब तक पिछले दोनों एपिसोड फिर से देखिए, अच्छे से अपडेट हो जाइए, अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए। और तब तक प्लीज़ एपिसोड्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ढेर सारे लोगों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़, है ना। और कमेंट, हाँ कमेंट तो ज़रूर करिए, है ना। अब ज़रा उसको थोड़ा सा दिमाग ठंडा करके आता हूँ। ए, 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 फिश फ्राई ला, 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 ये भी ले जाता हूँ।